नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आज फिर मैं आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आ गई हूं और आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बर्थ मार्क को लेकर। जी हां, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पर बर्थ मार्क होते हैं, यानी कि कुछ निशान होते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि ये निशान ऐसे ही है और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हर एक निशान के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है, हर एक निशान के पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है और हर एक निशान बताता है कि बच्चा कैसा होने वाला है, बच्चे की किस्मत कैसी चलने वाली है। जी हाँ, बता देते हैं कि हर निशान का कोई ना कोई मतलब होता है जो बच्चे के आगे आने वाले भविष्य में उसको बताता है कि भविष्य में बच्चा कैसे रहने वाला है, और उन बर्थ मार्क का बच्चे की जिंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए आज मैं बता देती हूँ कि किस बर्थ मार्क का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि किस बर्थ मार्क का क्या मतलब होता है और बर्थ मार्क को आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस बर्थ मार्क से हमारे बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चेहरे पर बर्थ मार्क। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर या फिर आपके बच्चे के चेहरे पर बर्थ मार्क है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है और समाज में बहुत ज़्यादा पूछताछ हो रही है। जी हाँ, उस बच्चे की बहुत ज़्यादा बोलता है और हर जगह उसकी पूछताछ होती है, यानी कि वो इतना ज़्यादा बोलता है उसके बोलने के तरीके से हर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। अब बात करते हैं हाथ पर बर्थ मार्क को लेकर। जी हाँ, हाथ पर भी बर्थ मार्क होता है। इसका मतलब होता है कि वो इंसान फैमिली पर्सन है। जी हाँ, फैमिली पर्सन मतलब कि उसे अपने परिवार के हर सदस्य से प्यार होता है। साथ ही बता दें कि वो हर काम के लिए जागरूक रहते हैं और अपनी जिंदगी पर सीढ़ी पर चलने के साथ साथ अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं, यानी कि परिवार का साथ वो लोग कभी नहीं छोड़ते हैं और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने हर एक कदम पर, अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर, अपनी जो भी अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कदम रखेंगे, हर एक कदम पर अपने माता पिता को, अपने परिवार वाले को साथ लेकर चलते हैं। और साथ ही बता देते हैं कि अगर ये बर्थ मार्क लड़के को है तो वो अपने जीवन साथी यानी कि अपनी लव पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चलिए बात करते हैं पीठ पर बना बर्थ मार्क। पीठ पर बर्थ मार्क ये साबित करता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार और खुले विचार वाले प्रतीक होते हैं। ये लोग कभी भी किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं और ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही शानदार तरीके से जीते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ जुड़ते हैं व्यवसाय को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप इन लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ये लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं और इन लोगों को बेईमान लोग भी ज़्यादातर पसंद नहीं आते हैं। ये लोग जिन लोगों को पहचान लेते हैं कि ये काम में ईमानदार नहीं है तो वो उन लोगों का साथ जल्द ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं जिनके हाथ की उंगली पर बर्थ मार्क होते हैं। जी हाँ, हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ होती है, जिन पर किसी भी उंगली पर अगर बर्थ मार्क होगा तो उसका क्या मतलब होता है, चलिए बताते हैं कि उस बर्थ मार्क का मतलब होता है कि उन्हें आज़ादी से जीना पसंद होता है। जिन लोगों की उंगली पर बर्थ मार्क होगा वो लोग हमेशा आज़ादी से जीना पसंद करेंगे। उन्हें किसी भी इंसान की रोक टोक नहीं सुनते, चाहे फिर वो इंसान बड़ा हो या फिर उनसे उम्र में छोटा हो। अगर वो उनकी ज़िंदगी में रोक टोक करेगा तो वो इंसान से मतलब छोड़ देते हैं, वो इंसान से नाता तोड़ लेते हैं। उन्हें उस तरह के इंसान पसंद नहीं आते, वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से अपने ढंग से जीना पसंद करते हैं और ये बहुत ही सुंदर भी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे इंसान को लेकर जिनके सीधे गाल पर निशान होता है। जी हाँ, सीधे गाल पर निशान होता है। हमने पहले आपको बताया चेहरे पर निशान लेने का मतलब, यानी कि जब चेहरे पर कहीं पर भी निशान होता है, लेकिन अगर आपके सीधे गाल पर निशान होता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, वो बहुत ही आकर्षित होता है और वो आसानी से नौकरी में तरक्की पा लेता है। साथ ही अगर बात करें उल्टे गाल पर निशान होने की, तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा निराशा और उदासी ही रहती है। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं पाते हैं। अगर उन्हें कामयाबी उपलब्धि मिलती है तो उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन सीधे गाल वालों को कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। वो जो भी चाहते हैं उन्हें अपने आप ही मिल जाता है और उनकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार होती है, बल्कि उल्टे गाल वालों की ज़िंदगी काफ़ी निराशाजनक होती है। चलिए अब बात करते हैं उल्टे कंधे पर बर्थ मार्क को लेकर। जिनके उल्टे कंधे पर बर्थ मार्क होता है यानी कि उनका बैड लक होता है, और जिनके सीधे कंधे पर बर्थ मार्क होता है तो उनका गुड लक होता है। ये गुड लक की निशानी समझा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैरों पर निशान होता है तो उसके साथ क्या होता है। जिनके पैरों पर निशान होता है वो जन्म से ही बहुत ही सौभाग्यशील होते हैं।
उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो कभी भी किसी की कमी नहीं होती है, उनके पास हर चीज़ होती है, वो जो चीज़ चाहते हैं उनसे मिल जाती है, और वो बचपन से ही यानी कि जब से पैदा होते हैं वो बहुत ही लक्की होते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में वो जाते हैं उस इंसान की ज़िंदगी भी उनकी किस्मत से बदल जाती है, यानी कि उनका गुड लक दूसरे इंसान पर भी लागू होता है। चलिए आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी खास प्रोग्राम को लेकर, किसी खास जानकारी को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।